गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम संजय कुमार है और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपना जूनियर इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। साथ ही मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। साथ ही मैंने कोलान यूनिवर्सिटी से, यहाँ से भी मैंने अपना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया, यानी मैंने डबल ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री विथ इंजीनियरिंग किया। अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लॉग, ठीक है, लॉगरिथम। ये जो लॉगरिथम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या 12th पास आउट हो और साइंस बैकग्राउंड से हो। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके सिलेबस में ये है ही नहीं। आप अगर अपना सिलेबस को चेक करेंगे ना तो वो 11th का सिलेबस में मिला था, ना ही आपको 12th का सिलेबस में मिला था। इस सिलेबस में आपको मिला ही नहीं था जो लॉगरिथम फंक्शन है, इसका कोई भी चैप्टर आपको नहीं था। बट ये जो चैप्टर है इसके यूजेज बहुत सारा, ये जो लॉग है, लॉगरिथम है, ln है, इसका यूजेज आपको बहुत सारा प्लेस में मिलता है। आपको फिजिक्स में भी मिलेगा लॉग, केमिस्ट्री में भी कभी कभी मिलता है, प्लस आपको मैथ्स में तो मिलेगा ही। आप जब डिफरेंशिएशन 12th वाला लोग को पढ़ा रहे थे तो उसमें तीन चार फॉर्मूला भी लिखाए थे लॉग का, ठीक है। ये जो लॉग होता है इसका यूजेज आपको बहुत मिलेगा, बट ये आपको सिलेबस में था नहीं। मतलब ये अगर इसको जानना है वहाँ पर तो काम चलाओ कि लोग जानता, अगर बेसिक डीपली इसको समझना है, आइए हम लोग इस वीडियो में पूरा इसको डीपली, इसको पूरा कंसेप्ट के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल में न्यू है प्लीज सब्सक्राइब और माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे लोग लॉगरिथम, लोग बात कर रहे हैं लॉगरिथम, इसका जो हिंदी नेम होता इसको पता है क्या? नहीं, लघुगणक, इसको हम लोग बोलते हैं लघुगणक, हिंदी नाम इसका होता है लघुगणक, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टी जो है, जो किस टाइप से होता है, फिर इसको किस टाइप से अप्लाई करते हैं। अगर इस बार बात करेंगे 12th वाला लोकल, ठीक है, जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट है, जो 12th इस बार दिए थे, ठीक है, उन लोग एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8 था, पूरा कंफर्म नहीं बट 7 या 8 था। उसमें क्वेश्चन जो था इंटीग्रेशन बहुत ही आसान था, इजी था, लेकिन उसमें क्या था जो उसके अंदर में था, पहले तो उसको लॉग के अबाउट उसको ऑपरेशन करना था, मतलब उसमें पहले छोटा करना था अबाउट लॉग। हमको जहां तक उम्मीद है कि जैक बोर्ड का 2-3% स्टूडेंट, 2-3% ही स्टूडेंट उस क्वेश्चन को बना पाया था। साइंस का मैथ का जो क्वेश्चन आया था 2-3% बच्चे ही उसको मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया था, बाकी लोग नहीं किया था। क्यों? क्योंकि लोग जो था उसका बेसिक कंसेप्ट उतना ही नहीं, सबके पास नहीं है, ठीक है। तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट था जो लॉगरिथम पढ़ चुके थे वो लोग उस चीज़ को बना पाया था, बाकी लोग उस चीज़ को बना ही नहीं पाया। सब आगे पूछ रहा था जो इसे एग्जाम दे के आया, फिर सभी ने लगभग मेरे का तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को पूछा सर इसको कैसे बनेगा, ठीक है। अगर उसका बेसिक क्लियर होता तो कोई उसमें दिक्कत ही नहीं थी, बहुत ही आसान था, बिल्कुल इजी था, एकदम इजी था। आप ही अगर बोलेगा इंटीग्रेशन की एक्स का पार्ट होगा, आप नहीं बोलोगे इंटीग्रेशन क्या एक्स का पार्ट होगा, 3/3 एक्स का पार्ट 3/3 प्लस ऑफ सी खत्म, कहा नहीं तो उतना ही था यार उसमें, बट उसमें पहले लॉग का ऑपरेशन करना था। देर चलिए आते हैं आज हम लोग लॉग की यूज करते हैं। देखिए लॉग में टोटल या प्रॉपर्टीज बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं उसमें, टोटल कुछ प्रॉपर्टीज होती है या कुछ फॉर्मूला होता है उसको आज हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग कुछ चलेंगे। फर्स्ट जो होता है, चलिए फॉर्मूला बोल के लिखिए, फर्स्ट है लॉग ए, यहाँ पर जो लिखते हैं ना इस साइड में जो नीचे लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेस, जिस टाइप से लिखते हैं लॉग ए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेस। और यहाँ पर कुछ होता है जैसे एक्स, मतलब ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग अभी फंक्शन बन के ही पढ़ते हैं इसको, ठीक। लॉग ए यहाँ पर अगर एक्स है इसमें टू आ, लॉग बेस में ए, बेस में ए है एक्स है इसमें टू आर, इस क्वेश्चन को हम लोग अगर लॉग को रिमूव करने वाले, इसमें यहाँ से हमको लॉग को हटाने बोला, यहाँ से बोला कि लॉग का रिमूव कीजिए, तो लॉग को रिमूव हम लोग कैसे करेंगे? अगर यहाँ से लॉग हटाना चाहते हैं तो ए, तो लोग कैसे हटेगा, ये जो ए था तो ये हो जाएगा एक्स इसके, ये जो ए था ए उस साइड चल जाएगा, ए का फॉर्मूला
ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसका पूरा का पूरा ये इसी बोले बोल सकते ना, यही वाला उसका जान, इसी से पूरा सब कुछ बनेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अप्रोक्स आपको बोलेंगे 90% क्वेश्चन इसी चीज के रिलेटेड होगा, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला को प्रूव भी करेंगे तो इसी चीज से हम लोग करेंगे। देखिए क्या लोग, फिर इसको याद कैसे रखेंगे थोड़ा देखते हैं। लोग बेस है x इक्वल टू y, लोग को मुझे यहां से रिमूव करना था, देखिए लोग को यहां से रिमूव करना था, क्या करेंगे, ये जो a था इस a को उस साइड ले जाएंगे, ये a को उठा के उस साइड ले जाएंगे। देखिए a क्या, a के ऊपर में x है ना, इस टाइप से a के ऊपर में x इक्वल टू y है ना, तो इस साइड a था, इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे, तो ये x इक्वल टू a का ऊपर, मतलब a इधर भी नीचे था, नीचे ही रहेगा। ये देख समझ में आया, ये जो नीचे था a बेस में था, उस साइड पे जाएगा तो बेस में ही रहेगा, बेस में ही होगा जितना, तो उतना जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू a टू द पावर y, इस टाइप से अगर इस a को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो ये जो लोग था वो रिमूव हो जाएगा। इसे टू नंबर लोग वन का वैल्यू जीरो होता है, चाहे बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी रहे, बट लोग वन इक्वल टू ऑलवेज जीरो, लोग वन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो ही होता है। सपोज दैट इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, जैसे लोग यहां पर बेस मान लेते हैं था, ये 1 इसके लिए जीरो प्रूफ करना था, मान लेते हैं क्या, सपोज दैट लोग 1 है इसके लिए क्या हम क्या करना था, इसका वैल्यू ये जो क्या है उसका वैल्यू जीरो करना था ना, तो इस क्या का वैल्यू हम जीरो प्रूफ करते हैं। कैसे हो, देखिए इस साइड से यही वाला चीज यूज करते हैं, लोग को रिमूव करेंगे, लोग को रिमूव करेंगे क्या करेंगे, ये जो a था, ये जो यहां पर a है उस a को क्या करेंगे, उठा के साइड ले जाएं, तो 1 इसके लिए a का पावर k, 1 इज इक्वल टू a का पावर k, 1 इज इक्वल टू a का पावर k, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता नहीं, a का पावर किसी भी चीज का पावर 0 1 होता, a का पावर 0 इज इक्वल टू a का पावर k, k इज इक्वल टू 9 है, मतलब k k हम लोग किसको माने थे, इसको माने थे ना, इस साइड वाला k, तो k का वैल्यू कितना है 0, तो लोग 1 को हम क्या लिख सकते हैं 0, चाहे बेस कुछ भी रहे, बेस कुछ भी रहे इट इज ऑलवेज 0, लोग वार्ड का वैल्यू जीरो होगा हमेशा बेस में कुछ भी रहे। अब आते हैं थर्ड, लोग ये बेस ए यहां पर भी है तो वन, मतलब ये दोनों सेम होगा, अगर ये दोनों मैच करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे वन, लोग ए बेस ए ऊपर में भी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वन, इसको हम लोग कैसे समझ सकते। देखिए let log a a इसके लिए क्या, इसको क्या मान लिया, इसके का वैल्यू कितना लाना है, 1 लाना है ना, इसको प्रूव करने के लिए देखिए इस फॉर्मेट में लाएंगे, इसको log को अगर रिमूव करेंगे तो ये जो a था उसको साइड ले जाएंगे, a इसके टू a टू द पावर k, इसके पावर कुछ नहीं था तो 1 था, k का वैल्यू कितना है 1 है कि नहीं, k का वैल्यू 1, इस साइड से क्या माने थे ना, तो k का वैल्यू 1, मतलब क्या होगा, अगर ये बेस सेम होगा और ये फंक्शन, तो यहां पर जो है वो वाला फंक्शन वैल्यू और ये बेस दोनों सेम होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 1। आपको क्वेश्चन पूछा log 3 और यहाँ पर भी 3, इसका वैल्यू कितना होगा 1, दोनों सेम होगा तो इसको 1 बोलेंगे, जो बेस होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये वीडियो 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी, प्लस पॉलिटेक्निक वाला जो है उन लोग के लिए भी, या जो 12th लेवल का जिसमें मैथमेटिक्स आता है उन लोग के लिए भी, उसके साथ ही जो लोग जनरल कंपटीशन करते हैं ना जिसमें 10th का क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स, उन लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे एसएससी में भी पूछा जाता है लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, तो उन लोग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए फोर नंबर, लोग बेस में a है, ये m टू द पावर n, ठीक है, ये बेस को छोड़िए इसे याद रखिए, लोग m टू द पावर n, m का पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो जंप करके सामने आ जाता है n log n, इसमें क्या आ जाएगा, जो पावर है वो जंप करके सामने आएगा। ये वाला प्रॉपर्टी याद रखिए, जब 12 का डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे ना उस टाइम भी इस प्रॉपर्टीज को देखे थे हम लोग। फिफ्थ नंबर, log m into n, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, मल्टीपल है ना, m into n, इसमें क्या आ जाएगा, log m plus log n,
इसमें बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है ना, हम लोग इस टाइप से लिख देते हैं लोग एम प्लस एन, लोग एम प्लस एन क्या कहते हैं, लोग स्पेशल मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा लोग एम फिर प्लस का इनटू लोग एन इस टाइप से, बट हम लोग जानते हैं लोग एम प्लस लोग एन इक्वल क्या होता है लोग एम इनटू एन। आप क्या किए इस चीज को अंदर मल्टीपल कर दिए एम के साथ भी एक बार एन के साथ भी एक बार, बट ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके साथ ये अंदर मल्टीपल नहीं करेंगे, अगर ये सिंपल अलजेब्रा था मान लेते क्या लिखा था के इनटू एम बिल्कुल लिख सकते, बट लॉगरिथम फंक्शन उस टाइप से नहीं होता। सपोज दैट अगर ये साइन होता साइन ए प्लस बी तो क्या हम इसको लिख सकते थे, इसका अंदर मल्टीपल करेंगे साइन ए प्लस ऑफ साइन बी, ऐसा होता था क्या फॉर्मूला, नहीं होता था ना, इसको क्या करते थे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इस टाइप से चेंज करते थे। हम लोग क्या लिखेंगे अगर ये मल्टीपल में होगा तो m into n, मतलब क्या है log m minus n ये m plus n, इसको हम इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, 6 log m divided by n इसका टू होता log m minus log n, log m divided by n का फॉर्मूला क्या होता log m minus of log n। चलिए हम लोग जाते हैं सेवेंथ वाले, सेवेंथ वाला फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जैसे हमको क्या लिखा हो लोग ये जो बेस है जिसे बेस का पावर भी दे दिया, बेस में क्या दिया लोग ए टू द पावर एन इक्वल टू एक्स लिखा हुआ। ठीक है, ये देखिए बेस का पावर एन लिखा हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये जो बेस में बेस के पावर में है ना, जो पावर हम लोग बाहर निकालते वन बाई एन लोग ए एक्स। लाइट आ गया। ठीक है, अब और एक प्रॉपर्टी यहां पर रिमेनिंग है एट, उसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज। बेस को चेंज करना, ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं उल्टा फुल्टा, एज अ प्रॉपर्टी जो उल्टा फुल्टा, इसमें उल्टा फुल्टा कर देना, क्या करेंगे लोग ये ए था ये बी था, इसको लिख सकते हैं, अच्छा और एक लोग ये ए था ये बी था ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय लोग इसको बी इसको ए। ठीक है, क्या होगा देखिए ये बेस ए था और यहाँ पर बी लिखा हुआ था, अब इसको चेंज कर दिया मतलब तो ये ऊपर था, ऊपर वाला अगर नीचे लाएंगे तो बी ए, अगर ये नीचे वाला फिर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा ए बेस हो जाएगा, मतलब बेस वाला फंक्शन जो फंक्शन वाला बेस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमको क्वेश्चन दिया लोग टू और ये थ्री, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा अगर इसको चेंज करने बोला तो ये क्या हो जाएगा लोग थ्री टू, मतलब चेंज कर देंगे ना तो ये वन बाई हो जाएगा, ये ऊपर में था ना इसको अगर नीचे लाएंगे तो क्या लिखेंगे लोग थ्री टू। ठीक है, अगर फिर इसको ऊपर ले जाएंगे क्या लिखेंगे लोग जो ऊपर जो बेस था वो फंक्शन हो जाएगा, जो फंक्शन था वो बेस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। चलिए नाइन्थ नंबर, और एक फॉर्मूला है नाइन्थ नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये तो बेस चेंज हम लोग स्टार से चेंज किए, और एक बेस चेंज है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर नाइन्थ में क्या है ना कि इस टाइप से जैसे हमको लोग लोग ए बी था, इसमें से आपको बेस को चेंज करना। ठीक है, क्या था यहाँ पर लोग बेस ए था बट आपको ए की जरूरत नहीं था, उसको दूसरा कुछ बनाना था, सपोज अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना लोग एक्स का अपॉन डी एक्स, चलो लोग एक्स एक्स तो लोग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, तो वही आपको लिखा गया डिफरेंशिएशन ऑफ लोग यहां पर बेस में 7 और x अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय x नहीं होगा, 1 बाय x नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे होगा कितना होगा वो चीज आपको बताना है, इसका डिफरेंशिएशन इस टाइप से तो 1 बाय 7 और ये 1 बाय x।
कैसे होता है उसके लिए आपको इस चीज को समझना जरूरी है, तभी ये बन पाएगा, नहीं तो ये वाला चीज नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो लोग x का डिफरेंशियल होता है 1 / x होता है ना, उसी टाइप से लोग 7x का 7 बेस x तो 1 / x कैसे हुआ उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो जो बेस होता है उस बेस को हम लोग चेंज करना सीखेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यही है, तो कहाँ से काम बताएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे, चलिए इसको छोड़ दें, ये ए था, ए मुझे नहीं चाहिए तो मान लेते दूसरा कुछ चाहिए, तो क्या करेंगे लोग ई चाहिए तो मान लेते इसको ई लिख दिए जो था वही मतलब बी, नीचे क्या करेंगे लोग ई जो यहाँ पर बेस था उसको लिखेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे क्या लिखेंगे लोग ई बी ऑलरेडी था ये नीचे था, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा लोग यहाँ पर है यहाँ पर ई, दैट्स इक्वल टू दैट्स, ये 9 नंबर वाला सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, सबका काम आता है, जो भी साइंस बैकग्राउंड में है चाहे बायोलॉजी वाला लोग क्यों ना हो, केमिस्ट्री में देखिएगा लोग लिखा मिलता है, फिजिक्स में देखिएगा लोग लिखा मिलता है, लोग को एलियन भी बोलते हैं। चलिए एक हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं हम, और ये जो भी प्रॉपर्टीज था उसको एक प्रूफ कर देते हैं, एक दो जितना बोलेगा सारे के सारे प्रूफ, जो प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी आपको प्रूफ नहीं पूछेगा, आपको जानना बस इसके लिए। तो चलिए हम लोग एक देखिए जिसे लिखे थे लोग m n log m log n इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको u, मान लेते हैं इसको v, कर देते हैं लेट u इज इक्वल टू लेट लोग m, चलिए बेस में देते हैं a a, तो लोग am इज इक्वल टू u मान लिए थे एंड लोग बेस में a n इज इक्वल टू इट्स m इज इक्वल टू b, हम लोग को फिर से रिमूव यहां से अगर लोग रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा a उस सेट से चल जाएगा ना, m is equal to a to the power u plus 1 मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं log को रिमूव करेंगे तो उस साइड चल जाएगा, तो n is equal to a to the power b equation 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 2 we get m into n is equal to a to the power u a to the power b, बचपन में सीखे थे जब base same तो power add, if base is same then power is added, a per power u plus b लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मेट लोग इस टाइप से, हम लोग देखेंगे लोग ए एक्स इक्वल टू वाई, देन वी सेड वी कैन से एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाला कि रेन है यहाँ सबको यहाँ तक जाना है क्या करेंगे, इसको जिस इसमें लोग नहीं तो इसमें अगर लोग यूज करना, ठीक है दोनों साइड एक्सपोनेंशियल करके हम लोग बढ़ा सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट बढ़ सकते हैं उसके हिसाब से, देखिए इसमें अगर लोग यूज करना तो ये जो ए था उसको ए को इस साइड लाएंगे तो लोग हो जाएगा ना, ये जो ए था ए को इस साइड लाते हैं बट ये उस कंडीशन में क्या हो जाएगी ये लोग बन जाएगा, चलिए वही काम करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा लोग ए, ये क्या था एम इंटू एम हो जाएगा यू प्लस बी, इसको हम लोग लिखेंगे लोग ए यहाँ पर m इंटू एन यू प्लस बी ना, u u इसके लिए क्या था a m, b इसके लिए क्या था a m, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हो गया। चलिए लिखिए इसको थोड़ा सा,
क्लियर है। अब इसके रिलेटेड हम लोग देखिए माइनस वाला भी इसी टाइप से बनेगा, ऊपर में जो है बेस चेंज वाला सब इसी टाइप से प्रूव होगा। आप लोग अगर बोलेंगे तो उसको प्रूव भी कर देंगे या अदरवाइज हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। वैसे देखिए लोग जो होता है ना उसको दो टाइप से नोट्स करके लिखिएगा इसको नोट्स। एक होता है कॉमन लघुगणक यानी लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम दैट मींस दैट टाइप्स ऑफ लॉगरिथम जिसका बेस ठीक है जैसे कोई लॉग है एक्चुअल लॉग, यहां पर क्या लिखा हुआ 10 ये लॉग, यहां पर लिखा हुआ 12 या लॉग, यहां पर लिखा हुआ 1000 ठीक है। इस टाइप से जब लॉगरिथम में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगा एजेड नंबर होगा, ये जो वैल्यू जो भी वैल्यू है ये अगर एजेड नंबर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। व्हाट इज नेचुरल लॉगरिथम, इफ लॉगरिथम फंक्शन लाइक लॉग x लॉग p लॉग y लॉग z लॉग a, इस टाइप से जो लॉगरिथम आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो कॉमन लॉगरिथम होती है जिसको हम लोग साइंस में यूज करती है ठीक है, कॉमन लॉगरिथम विद बेस 10 ऑल साइंस ठीक है, साइंस एप्लीकेशंस होती है जहां पर साइंस का यूज होती है ना उस कंडीशन में जो कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं उसमें हम लोग बेस क्या लेंगे 10, उसका बेस क्या होगा 10 जैसे हमको यहां पर लिखा हुआ लो मतलब क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेस की जगह कुछ भी नहीं था उसका मतलब यहाँ समझ लेना कुछ भी लिखा हुआ नहीं है मतलब 10 लिखा हुआ तब ना आप लोग अगर जिन लोग लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उसको सब लोग जानते हैं लोग 1 का लोग 10 का वैल्यू होता हुआ है 10 का वैल्यू 1 क्यों होता है क्योंकि अगर ये नंबर है ना मतलब ये कॉमन लगाया था होता दैट मींस क्या यहाँ पर 10 लिखा हुआ अगर ये बेस में कुछ भी नहीं मतलब 10 है हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला नंबर 2 अगर ये दोनों सेम होगा तो 1 होगा तो 1। आप लोग जानते होंगे लोग 100 का वैल्यू 2 होता ये भी कैसे 2 होता उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर बेस में कुछ नहीं तो 10 है ना इसको लिख सकते हैं लोग 10 इसका 100 को बोल सकते हैं 100 10 का जो पार है एग्जांपल के सामने आ जाएगा 2 लोग ये 10 ये 10 ये सेम हो गया तो वाट मतलब आंसर कितना हो गया 2। नहीं समझ में आया तो बाकी क्वेश्चन जब बनाएंगे समझ में आ जाएगा ठीक है। उसका बेस 10 होगा कब जब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आएगा तो, बट जब नेचुरल लॉगरिथम आएगा देन क्या होगा नेचुरल लॉगरिथम विथ बेस ई। उस कंडीशन में बेस क्या लेते हैं हम लोग कुछ भी लिखाव नहीं है तो ई लेते हैं। ई मतलब क्या होगा 2.718 लगे ना 2.7 ई का जो वैल्यू होता है ना ये एक स्पेशल टर्म है जिसका वैल्यू होता है लाइक पाई ये इरेशनल नंबर है ठीक है लाइक पाई पाई जैसे इरेशनल नंबर है पाई का वैल्यू होता 3.14 ठीक है उसी टाइप से इसका वैल्यू होता 2.7 समथिंग होता 718 इस टाइप से इसका वैल्यू होता क्लियर। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं मतलब क्या जैसे लॉग एक्स मतलब क्या यहाँ पर जैसे थोड़ा देर पहले नहीं बताया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता 1/x मतलब यहाँ पर बेस कुछ नहीं था तो ई था उसी टाइप से की जगह अगर 7 लिखा हुआ तो उसका आंसर कुछ और आया था तो वही चीज हमको यहाँ से डिस्कस करना। आते हैं हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 11th 12th बीएससी सब्सिडरी का जो क्लास है वो अपकमिंग मतलब स्टार्ट हो चुकी है वो क्लासेस चल रही है
जूम ऐप्स में लाइव क्लासेस, अगर आप लोग लाइव क्लासेस परचेज करना चाहते हैं यानी जूम ऐप्स में लाइव क्लास, ये 300 पर मंथ के हिसाब से सस्ता में बहुत अच्छा, ठीक है। क्लास करके देखोगे लाइव, अपने आप पता चलेगा क्या होता है इसमें, कितनी अच्छी होती है, किस टाइप से पढ़ाया जाता है, अपने आप एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उसमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग 2 और ये 32, बेस में 2 32, इसका आंसर हमको बताना। देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अगर ये बेस सेम और यहां पर फंक्शन है दोनों अगर सेम होगा तो 1 हो जाएगा ना, फार्मूला नंबर 2 देखिए लॉग है बेस ए पावर है तो सेम हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2। अच्छा 32 को आप लोग 2 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं 2 का पावर 5, हां बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जो पावर वो जंप करके सामने आ जाएगा तो 5 और ये लोग यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, जब दोनों सेम होता तो 1 होता ना, तो 5 into 1 इट्स मीन इट्स 5, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लोग x और x टू दी पावर 3, देश में x है और यहाँ पर जो वैल्यू है जो फंक्शन है वो क्या है x टू दी पावर 3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्या लिख सकते हैं लोग x और ये क्या था x टू दी पावर 3, जो पावर है वो जंप करके सामने आता है तो 3 लोग x और ये x, जब ये दोनों सेम होता ये बेस के साथ तो ये 1 हो जाता तो 3 into 1 तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लोग 16 डिवाइडेड बाय लोग 2, लोग 16 डिवाइडेड बाय लोग 2, लोग 16 डिवाइडेड बाय लोग, इस क्वेश्चन को बनाना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं लोग 16 को क्या लिखेंगे, लोग 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय नीचे भी लोग 2 था ना। अच्छा देखिए जो पावर है वो जंप करके सामने आता है तो 4 सामने आ जाएगा, इट्स लोग 2 डिवाइडेड बाय लोग 2। धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन में भी आएंगे, ये हो जाएगा 4। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4th लोग 4 एंड इट्स 64, बेस में 4 और वैल्यू निकालना 64, तो ये 4 है मतलब इसको भी 4 के रिस्पेक्ट में कुछ बनाना है, इसको लिख सकते हैं लोग 4 और ये 4 का पावर 4, 4 का 4 4 64 होता, जो बेस है वो सामने आ जाएगा यानी 4 लोग 4 4 दोनों जब सेम होता तो 1 होता ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए इसको log 2 1 by 3, log 2 1 by 3 नहीं 1 by x इसके लिए माइनस 3 find x log 2 1 by 3 x is equal to find x log 2 base में 2 1 by x is equal to minus 3 है, इस कंडीशन में x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इसको, इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग, ये log 2 था, चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, हम लोग log को यहां से रिमूव करना था, log को कैसे रिमूव करते हैं तो क्या करेंगे, log को रिमूव करनी है 2 को सेट कर देंगे तो ये 1 by x is equal to 2 का पावर माइनस 3 हो जाएगा ना, 2 जो था वो से नीचे ही रहेगा जो ऊपर में वो ऊपर में रहेगा तो 1 by x 2 का पावर माइनस 3 मतलब नीचे लिखेंगे 2 का पावर 3 तो 1 by x 2 का पावर 3 मतलब 1 by 8 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6 लोग बेस में 10 है यहाँ पर 0.00001 इसका वैल्यू है,
तो ये टेन है तो इसको भी टेन ही बनाना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोग ये टेन था, ये वन टू थ्री फोर फाइव, इसको लिख सकते टेन का पावर माइनस फाइव। अगर नीचे जाएगा ना इसको कटेंगे तो जीरो को नीचे हमको लिखना पांच टू जीरो, तो टेन का पावर माइनस फाइव जो पावर है वो सामने आ जाएगा, ये जो पावर था वो सामने आ जाएगा माइनस फाइव, ये लोग टेन टेन, ये वैल्यू वन हो जाएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा। जल्दी से लिखिए इसको। अब हम आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे हाई लेवल में आएंगे, अभी पूरा बच्चा वाला क्वेश्चन है। सेवेंथ, लोग रूट थ्री रूट एक्स, लोग रूट थ्री रूट एक्स इक्वल टू थ्री, फाइंड एक्स। देखिए फिर से लोग का रिमूव करेंगे तो ये जो थ्री था वो चल चल जाएगा, तो रूट एक्स इक्वल टू रूट थ्री का पावर वो थ्री, तो ये थ्री ऊपर उधर चल जाएगा, तो थ्री जो ऊपर में ही रहेगा वो पावर में ही रहेगा। अब हम लोग बनाते हैं रूट थ्री का पावर थ्री, एक काम करते हैं इधर रूट था, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा रूट थ्री का पावर थ्री का स्क्वायरिंग करेंगे तो टू, स्क्वायरिंग मतलब क्या होता है टू होता है ना, तो रूट एक्स का एक्स स्क्वायर टू एक्स का पावर थ्री हो जाएगा। देखिए स्क्वायरिंग और रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स का पावर सॉरी एक्स नहीं थ्री था ना, थ्री का पावर थ्री यानी एक्स स्क्वायर कितना लिख सकते हैं ट्वेंटी सेवन, x is equal to 27। ये कैसे हो रहा है ना, थ्री का पावर रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल तो थ्री ट्वेंटी सेवन। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा हाई लेवल में। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एट, इफ टू का पावर माइनस फोर इज इक्वल टू वन बाय सिक्सटीन, कन्वर्ट इफ क्या ही तो ये टू का माइनस थ्री कन्वर्ट इन टू लॉगरिथम फंक्शन यानी लॉगरिथम फॉर्म, इसको लॉगरिथम फॉर्म बोल सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, ठीक है, यानी इसमें लॉग बनाना। क्वेश्चन क्या, 2 का पावर माइनस 4 इक्वल टू 1 बाय 16 है, तो उसको हमको बनाना क्या है, उसको बनाना है लॉग कन्वर्ट करना, लॉगरिथम फंक्शन में लॉग बनाना है, ठीक है। तो कैसे लॉग बना सकते हैं, देखिए देखिए हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे लॉग a टू द पावर x इक्वल टू y लिखा हुआ था, यहां से अगर लॉग को हटाना था तो ये ए उस साइड से जाते हैं एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वन, मगर आपको यही वाला गिवन था ए टू द पावर वाई गिवन था एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वन, इसको लोग लिखना चाहेगा, इसको लोग बनाना क्या करेंगे, एक इस साइड लाएंगे तो ए का पावर एक्स इक्वल टू वाई, इसमें लोग हो जाएगा, यही तो हम लोग जानते हैं ना, ये बेस मैन है यहाँ पर, ठीक है। तो यही वाला काम करना है, इसको हमको लोग बनाना था, ठीक है। तो वन बाय सिक्सटीन इक्वल टू टू का पावर माइनस फोर, इसको क्या बनाना था, लोग बनाना था, तो टू इधर आ जाएगा, टू पर नीचे है ना तो टू सामने आ जाएगा, तो लोग टू आपके यहाँ पर बेस बनेगा, तो वन बाय सिक्सटीन इक्वल टू माइनस फोर आंसर क्या होता है, ये जो बेस है ये जो टू है वो इधर आके बेस बनेगा, जो था वही वाला, ठीक है, समझ में आया, आना चाहिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड लोग
24 इज log 0.301 and log 0.4771। ये अगर वैल्यू है तो हमको log 24 का वैल्यू निकालना है। 24 कौन लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 को 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम लिखेंगे log 24 को 2 × 3 × 3 8 × 3 = 24 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए log m into l, ये m log m into l क्या आता है, log m plus log l, log m plus log l जो पार है वो सामने आ जाएगा उठ के, तो log 2 plus of log 3। अब 3 into log 2, log 2 का वैल्यू था 0.3010 प्लस log 2, log 3, log 3 का वैल्यू था 0.4771। ये कितना आ गया, 0 ऐड करेंगे 0.9030 प्लस 0.771। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, यहां से ऐड ऑन करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 10818893 हो जाएगा ये 1.3801 ये हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ इससे ऑफ होते हैं हम लोग हाई लेवल में आते थोड़ा सा, थोड़ा सा इसमें हम लोग हाई क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, if log x is equal to 1 by 8 is equal to minus 3 by 4 find x। फिर से हम लोग यहां से log को रिमूव करना चाहेंगे तो log को कैसे रिमूव करते हैं, तो ये 1 by 8 is equal to x उस साइड चला जाएगा, x का पावर minus 3 by 4, ये नीचे था तो नीचे ही रहेगा, ऊपर में जो है वो पार ही हो जाएगा। सेम इस चीज को याद रखना हम लोग को, बार बार बोल रहे हैं x इक्वल टू y, तो अगर यहां लोग को रिमूव करना तो x इक्वल टू a y, मतलब इस साइड जो है था वो उस साइड चल जाए, इस साइड जो x था ये नीचे x था, यहां पर इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो पार हो जाएगा। तो देखिए ये पार अगर नेगेटिव है, अगर नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 / x का पावर 3 / 4 इसके साथ मल्टीपल इसके साथ, x का पावर 3 / 4 इसके टू 8 x इक्वल टू 8 का पावर कितना हो जाएगा 4/3, x इक्वल 2 का पावर 3 इसका पावर 4/3 इसके साथ ये कटेगा 2 का पावर 4 यानी 16 ये आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट लिखिए इसको, जल्दी लिखिए, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और उधर कट गया ना, कट गया। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, log a cube b cube divided by c cube plus of log b cube c cube divided by d cube plus of log c cube d cube divided by a cube minus 3 log b square c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना, ये मेंस में आ चुका था वाला क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे इसमें। अब इस चीज को लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाला m नीचे वाला m, m / n क्या होता है log m minus log m,
m by n कौन था, log m minus log n, इसको भी log m by n, इसको लिखेंगे log m minus log n, फिर इस चीज को भी log m माइनस लोग एन माइनस थ्री था, इसको देखें तो देखिए लोग एम इंटू एन है ना, ये एम तो ये एन, एम इंटू एन तो क्या आता है, लोग मल्टीपल में होता तो क्या आता है, पॉजिटिव हो जाता है, लोग एम प्लस लोग एन। अब इसमें देखिए मल्टीपल में मतलब पॉजिटिव हो जाता है, लोग एम प्लस एन, लोग एम इंटू एन, लोग एम प्लस लोग एन, लोग ए का पावर थ्री प्लस लोग बी का पावर थ्री ऑलरेडी था, लोग सी का पावर थ्री, सेम लोग m प्लस m इनटू n ये हो गया m प्लस n, b का पावर 3 प्लस लोग c का पावर 3 माइनस लोग b का पावर 3, इसमें भी लोग m इनटू n है, इसमें भी m प्लस n हो जाएगा, प्लस ऑफ लोग m प्लस लोग n माइनस ऑफ a का पावर 3 ऑलरेडी था, माइनस थ्री मल्टीपल में थ्री लोग बी का पावर टू माइनस थ्री और ये लोग सी, देखिए कुछ टर्म कैंसिल होगा, ए का पावर थ्री माइनस ऑफ ए का पावर थ्री, सी का पावर थ्री माइनस सी का पावर थ्री प्लस सी का पावर थ्री, बी का पावर थ्री माइनस बी का पावर थ्री प्लस, और कुछ नहीं कटेगा, देखिए b का पावर 3 प्लस b का पावर 3, इसको हम लिख सकते 2 log b का पावर 3, दो बता ना b का पावर 3 b का पावर 3, यहां पर प्लस ऑफ c का पावर 3 माइनस 3 log b स्क्वायर माइनस 3 log c, हम लोग क्या जानते हैं जो पावर है वो सामने आ जाएगा, ये सामने को जो पावर था सामने आता, ये जो पावर था वो सामने आता था, उसी टाइप से जो पावर है वो सामने चल जाएगा, ये log d 6 प्लस log c 3, ये पावर सामने जाएगा 2 इनटू 3 6 हो जाएगा, माइनस ऑफ log d का पावर 6, ये पावर सामने जाएगा log c का पावर 3, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पावर वो सामने आएगा, अगर स्ट्रक्चर आप नहीं बना पा रहे इसमें कुछ दिक्कत हो रहा इसको हम स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं, ये जो पावर था वो सामने आ जाएगा, कितना लिखेंगे 6 log d, इसको सामने लाएंगे तो 3 log c, पावर को सामने लाएंगे तो 6 log b, पावर तो सामने था ही पहले से, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, एक बड़ा वाला 0 हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 शून्य। कोई भी दिक्कत होगा ना किसी भी क्वेश्चन में, अगर प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, फिर सब लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन लिखिए इसमें, चलिए इसको पहले नोट्स कीजिए फिर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साल 12, if xy square is equal to 4, xy square is equal to 4, find क्या करना है हमको, यहाँ से x का वैल्यू find करना, and xy is equal to 4 and log 2, log 2, अच्छा log 3 है, log 3 बेस में 2x फिर सेकंड हाँ ठीक, फिर log 1 by 3 log 1 by 2x is equal to 1, find x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल है, पीटी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए
अगर इस क्वेश्चन को बनाए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ से y के वैल्यू निकालेंगे तो y square is equal to 4yx और y is equal to root of y 4, ये रूट में आ रहा है। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 by y, चलिए x का वैल्यू थोड़ा अच्छा लग रहा है, x का वैल्यू निकाल के हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें हम लोग सोल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x is equal to 4 upon y square, अब इसको रन देते हैं, इसी वैल्यू का यूज करके इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये था log 3, अंदर में log 2, ये x, अच्छा x को लिख सकते हैं 4 अपॉन y स्क्वायर, चलिए बाद में लिखते हैं इसको, log x बना के इसको सॉल्व करते हैं, log x प्लस log, अच्छा 1 by 3 का हम लोग बोल सकते हैं 3 का पावर माइनस 1, 1 by 3 को 3 का पावर माइनस 1 बोल सकते हैं ना, 3 को ऊपर लेंगे 3 का पावर माइनस 1, log इसको ऊपर ले जाएंगे 2 का पावर माइनस 1, ये x नहीं, दोनों x नहीं, ये y होना चाहिए, तब ना x और y दोनों का रिलेशन है, ये y है, इनटू y इक्वल टू 1। अच्छा इस चीज को लिख सकते, देखिए एक फॉर्मेट था जब बेस का पावर होता कुछ तो वो पावर सामने आ जाता 1 पर, ये जो लिखे थे log बेस का पावर इक्वल टू x, क्या लिखते थे 1 बाय n log a x, तो जो पावर है ना वो 1 बाय आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं log 3, ये log 2x प्लस 1 बाय माइनस 1 और ये log 3, अब 3 और जो था अंदर में वही log 2 का पावर माइनस 1 y इक्वल 1, ये माइनस हो जाएगा, log 3 log 2x माइनस ऑफ log 3 log 2 का पावर माइनस y इसके लिए। देखिए अब क्या होगा, log ये पूरा वाला m log m माइनस ऑफ log n, log m माइनस log n, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log m by n लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिखेंगे log m, m मतलब ऊपर वाला by log m, n इसके लिए क्या लिखेंगे log 2 का पावर माइनस 1 इसके लिए, ठीक है, log m by n log, अच्छा यहाँ पर 3 है, ये 3 है, तो इस टर्म को लिख सकते हैं log 2 by that, क्लियर यहाँ तक, थोड़ा सा लिखिए इसको, मेन स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, स्पेस थोड़ा कम है, बड़ा वाला लिखिए, अब इस टर्म को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इस टर्म को अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो पावर है, ये जो बेस, इसको भी बेस टर्म करेंगे, बेस टर्म करने के लिए क्या करेंगे, सामने आ जाएगा, अरे हाँ यार, अगर इसको सामने लाएंगे तो क्या होगा, इसको अगर बेस सेम करना चाहेंगे log m by n, इस log को अगर ऊपर से उस साइड ले जाएंगे, हाँ अब यहाँ से log को रिमूव करते हैं, सबसे पहले एक डिसीजन अच्छा आया कि यहाँ से log को रिमूव करते हैं, log को कैसे रिमूव करते हैं, हम लोग ये फॉर्मेट देखे थे log a x is equal to y, log को रिमूव करना था x is equal to a का पावर y, मतलब ये जो बेस था वो सामने आ जाएगा, बेस यहाँ पर क्या 3 उधर चल जाएगा, तो यानी log 2 x divided by log क्या था 2 का पावर माइनस 1 y is equal to ये 3 उधर चले गए 3 ऊपर में क्या हो जाएगा 1, ये जो y था ये जो है तो उस साइड मूव हो गया था ना, इस साइड 3 था 3 उधर जाएगा उस साइड चल जाएगा बाकी लोग तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस बेस को सेव करने के लिए जो लोग के पावर में उसको सामने लिखेंगे ये हो जाएगा log 2 x divided by ये नीचे वाला इधर आ जाएगा, नीचे वाला इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा log 1 by minus 1 log 2y is equal to 3, that means ये क्या आया negative आया, इधर क्या आया negative आया,
ठीक है, इस टर्म को साइड नहीं जाते, ये जो टर्म तो उसको साइड नहीं जाते, क्या हो जाएगा, ये log 2x plus minus 1 minus और 3 log 2y लिख सकते हैं, 3 log 2y। अब इस टर्म को सॉल्व करना चाहते हैं, ये log 2x square 2, ये जो पावर को सामने चल जाएगा तो log 2 और y का पावर चलेगा minus 3, ये log 2 और log 2 कैंसिल, दैट मींस x square 2 y का पावर minus 3 आया, x square 2 y का पावर minus 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखे थे, x square 2 4 upon y square, 4 upon y square लिखे थे, यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिखे, 4 upon y square is equal to y का पावर minus 3, इसको उधर मल्टीप्लाई, 4 is equal to y का पावर minus 3 into y square, तो 4 is equal to y का पावर minus 1, y का वैल्यू कितना आ गया 1/4, तो y का वैल्यू कितना आया 1/4, हमको क्या निकालना था, x निकालना था ना, x इक्वल क्या था 4 upon y square, यानी 4 upon 1 upon y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर, तो 4 into 16, ये हो जाएगा 64, ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्लियर है, थोड़ा सा टफ तो बट आसान था, ठीक से बता रहे, ये जो लॉगरिथम फंक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा से देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही।